Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Question number 5. Q.5.B. जिसमें हमें दो सवाल पूछे जाएंगे B1 और B2. ये भी राइटिंग स्किल पर डिपेंड होगा. आइए हम इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं. B1 डायलॉग राइटिंग या B2 ड्राफ्टिंग स्पीच, दोनों में से कोई भी हमें एक करना होगा. हम इस वीडियो में डायलॉग राइटिंग किस तरह से हम लिख सकते हैं, किस तरह से हल करेंगे, इसमें कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं. देयर विल बी 3 एक्टिविटीज सच एज. अब B1 के अंदर जो डायलॉग राइटिंग होगा, इसमें हमें 3 एक्टिविटी को फॉलो अप करना होगा. पहली एक्टिविटी जो होंगी वो होगा प्रिपेयर डायलॉग्स फ्रॉम द जंबल्ड सेंटेंस. सेंटेंस जो दिए जाएंगे हमें, सेंटेंस जो दिए जाएंगे वो जंबल होंगे, मतलब आगे पीछे होंगे. हमें सिर्फ उनको सिलेक्ट करना होगा, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होगा. इन दिस एक्टिविटी 4 सेंटेंसेस विल बी गिवन एंड वी हैव टू अरेंज देम इन अ करेक्ट ऑर्डर. हमें 4 सेंटेंस दिए जाएंगे और हमें उन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना होगा टू फॉर्म अ मीनिंगफुल डायलॉग, ताकि उसका जो अरेंज करें उसका कुछ मतलब निकले डायलॉग का. अब 4 सेंटेंस दिए गए हैं. आई डोंट बिलीव सच स्टूपिड थिंक. सेकंड है बिकॉज दे आर बेसलेस. थर्ड सेंटेंस है डू यू बिलीव इन रूमर्स. और फोर्थ सेंटेंस है व्हाई डोंट यू बिलीव इट. अब ये चारों भी सेंटेंस है, ये जंबलिंग है. आई डोंट बिलीव सच स्टूपिड थिंग्स बिकॉज दे आर बेसलेस. डू यू बिलीव इन रूमर्स. व्हाई डोंट यू बिलीव इट. अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, देखिए. सबसे पहले हमें लिखना पड़ा डू यू बिलीव इन रूमर्स, क्या तुम अफवाहों पर यकीन रखते हो. आई डोंट बिलीव सच स्टूपिड थिंग, मैं ऐसे बेवकूफाना चीजों पर यकीन नहीं करता हूँ, नहीं रखता हूँ. व्हाई डोंट यू बिलीव इट, तो इस पर यकीन क्यों नहीं करते हो. बिकॉज दे आर बेसलेस, क्योंकि ये तमाम बेबुनियादी चीजें हैं. इस तरह से हमें ये 4 सेंटेंस दिए जाएंगे, हमें ये जंबल होंगे, हमें इन्हें अकॉर्डिंग टू करेक्ट ऑर्डर में रखना होगा, मतलब मीनिंगफुल डायलॉग इसका मतलब निकलना चाहिए. इसकी पहली स्टेप हो गई. दूसरी स्टेप B आएगा, वो है ना कंप्लीट द डायलॉग. अब इसे किस तरह हम हल करेंगे, सवाल कैसा पूछा जाएगा, देखिए. In this activity, 2 questions will be given. 2 सवालात हमें दिए जाएंगे. And we have to answer in order to form a meaningful dialogue. 2 questions हमसे पूछे जाएंगे. ये भी conversation type में होंगे. और हमें इनका answer देना होगा. देखिए. Who is your favorite teacher? A कहता है. Who is your favorite teacher? तुम्हारा पसंदीदा teacher कौन है? B blank space है. इसमें हमें इसका answer लिखना होगा. Second क्वेश्चन वही पूछते हैं हमसे, व्हाई डू यू लाइक हिम, तुम उन्हें क्यों पसंद करते हो. पे बी ब्लैंक स्पेस. अब इसका आंसर, हु इज योर फेवरेट टीचर. बी आंसर देता है, यासीन सर इज माय फेवरेट टीचर. फिर व्हाई डू यू लाइक हिम, तुम उन्हें क्यों पसंद करते हो. आंसर, बिकॉज ही इज वेरी काइंडनेस टीचर, क्योंकि वो बहुत रहम दिल टीचर है. ये दूसरा स्टेप हो गया. अब तीसरा स्टेप हम देखते हैं. राइट अ डायलॉग बेस्ड ऑन गिवन थीम, यानी हमें एक थीम दी जाएंगी, इसकी बुनियाद के ऊपर हमें डायलॉग खुद ही तैयार करना होगा, खुद ही क्रिएट करना होगा, लेकिन हमें थीम दी जाएंगी. देखिए, इन दिस एक्टिविटी द थीम विल बी गिवन एंड वी हैव टू डेवलप अ मीनिंगफुल डायलॉग. हमें डेवलप करना होगा, डायलॉग खुद क्रिएट करना होगा बिटवीन 2 पर्संस, 2 शख्सों के दरमियान. डायलॉग मस्ट कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 3 मीनिंगफुल एक्सचेंज, यानी हमें कम से कम एक एक पर्सन के 3-3 सेंटेंस लिखना होगा. देखिए, डेवलप अ डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स अबाउट देयर स्कूल बिगिन लाइक दिस, यानी डायलॉग को जो है तो हमें डेवलप करना है. अब वो जो कन्वर्सेशन होंगी वो अबाउट देयर स्कूल, स्कूल के बारे में. बिगिन लाइक दिस, यानी हम इस तरह से शुरू कर सकते हैं, जैसे ए सवाल पूछेगा, व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट आवर स्कूल, हमारे स्कूल की सबसे अच्छी चीज तुम्हें क्या लगती है, क्या पसंद आता है. बी जवाब देंगे, आई लाइक फ्रेंडली द एनवायरमेंट एंड आवर एंड ऑल टीचर्स, मुझे यहाँ का एनवायरमेंट और यहाँ के टीचर तमाम के तमाम दोस्ताने जैसे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं. अब हमें 3-3 डायलॉग कंप्लीट करना है. फिर ए सवाल पूछेगा,
व्हाट डू इसका आंसर लिखे हमने, व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट अवर स्कूल, बी आंसर देगा आई लाइक फ्रेंडली द एनवायरनमेंट एंड आवर टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा फिर, विच इज द पार्ट ऑफ अवर स्कूल यू डोंट लाइक, इस स्कूल का कौन सी चीज या कौन सा हिस्सा तुम पसंद नहीं करते हो। बी जवाब देंगे आई डोंट लाइक टू मच होमवर्क, यानी मुझे ज्यादा होमवर्क पसंद नहीं है या नहीं करता हूँ। फिर ए सवाल पूछेंगे डू यू लाइक टू प्ले गेम, क्या तुम गेम खेलना पसंद है। बी जवाब में यस आई लाइक टू प्ले वॉलीबॉल, इट इज माय फेवरेट गेम। इस तरह ए के तीन सवाल हो गए और तीन जवाब बी के हो गए। इस तरह इस एक्टिविटी को हम कंप्लीट कर सकते हैं।